हेलो दोस्तों, आप लोग कई सारे सिनेमा थिएटर्स में गए होंगे, चाहे वो 2D हो, 3D हो, 7D हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब सिनेमा थिएटर गए होंगे तो आपने एक छोटी सी चीज़ नोटिस की होगी, जो फ्रंट वाली सीट होती है उसकी टिकट की प्राइस काफ़ी कम होती है बैक वाली सीट की प्राइस के मुकाबले। दोस्तों ऐसा क्यों होता है आपने कभी सोचा होगा? और अगर आपने सोचा है तो आपके दिमाग में एक आंसर होगा। आप ये कहेंगे कि जो बैक वाली सीट होती है वहाँ से हम एट ए टाइम में अपने फेस को स्ट्रेट रख के हम सारे एक्शन जो स्क्रीन में चल रहा है उसको देख सकते हैं, लेकिन फ्रंट वाली सीट में हमें अपने फेस को टर्न करना पड़ता है। इस साइड पे जब कुछ एक्शन चला तो इस साइड पे, और इस साइड पे कुछ एक्शन चला तो इस साइड पे। लेकिन दोस्तों फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, फ्रंट वाली सीट इतनी सस्ती क्यों होती है और बैक वाली सीट इतनी महंगी क्यों होती है। तो दोस्तों आपने ऑप्टिकल फिजिक्स पढ़ा होगा, उसमें आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर पॉइंट, पोल, ये सब पढ़ा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फ्रंट वाली सीट होती है और जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर मानिए और वहाँ से सेंटर पॉइंट अपने तक लीजिए और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो आप तक जो रेडियस आ रहा है फ्रंट वाली सीट पे जो रेडियस आ रहा है उसका डिस्टेंस काफ़ी कम होगा। उसका डिस्टेंस कम होने की वजह से जब स्क्रीन में कुछ एक्शन इस साइड पे चल रहा होगा तो आपको फेस अपना इस साइड टर्न करना पड़ेगा, और जब इस साइड चल रहा होगा तो अपना फेस इस साइड पे टर्न करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप बैक वाली सीट पे देखिए, वहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो कम हो जाएगा, मतलब कि आप बैक वाली सीट से अपने फेस को एकदम स्ट्रेट रख के आप इस साइड के एक्शन और इस साइड के एक्शन को एक साथ देख सकते हैं। वहाँ पे कोई भी टाइम डिले नहीं होगा। मेन चीज़ आता है टाइम डिले, टाइम लैग का, ये दोनों आपका कम हो जाता है, इसलिए बैक वाली सीट जो होती है वो काफ़ी महंगी होती है। और मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो आपने कई सारे टेलीविजन्स के कंपनी देखे होंगे, मेनली आपने सैमसंग देखा ही होगा। तो दोस्तों सैमसंग ने काफ़ी सारे कर्व टीवीज बनाए थे, कर्व टीवी आपको इन्हांस्ड एक्सपीरियंस देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन दोस्तों वहाँ पे एक ज़बरदस्त फिजिक्स लगती है। वहाँ पे भी यही सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर काम करता है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वहाँ पे होगा और आप उसे फिक्स डिस्टेंस पे रखेंगे तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप जहाँ बैठे वहाँ तक आएगा। तो दोस्तों आप तक जो भी स्क्रीन में आ रहा है वो आपको बिना टाइम डिले, पॉइंट माइक्रोसेकेंड से भी कम टाइम लैग हुए आपके सामने आ जाएगा। इस वजह से जितने भी लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं, चाहे वो लाइव क्रिकेट मैच क्यों ना हो, वहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो फ्रंट वाली सीट होती है वो सस्ती क्यों होती है और जो बैक वाली सीट होती है इतनी महंगी क्यों होती है। और इसी टाइप के साइंटिफिक हाइपोथेसिस, थ्योरीज, फैक्ट्स को जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज्ञानी टाइम एट एनी टाइम।